हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। मेरी MRI की रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें क्या है क्या नहीं हम लोग को तो कुछ नहीं समझ में आया। मैंने तो बस सुबह में जब रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी और नींद में से मेरे को उठा दिया। जल्दी तो मेरी रिपोर्ट में बोले क्या क्या लिखा है, तुमको कैसे मालूम? बोले मैंने पढ़ी, मतलब तुमको आता समझ में? बोले नहीं, तो तुमको कैसे मालूम कुछ बुरा बुरा लिखा हुआ अंदर? अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे डॉक्टर के पास, जो कि रुखसार दीदी और तनवीर भाई, बिकॉज उन लोग को भी मैंने रिपोर्ट भेजी तो रुखसार दीदी बोले तुम लोग इधर आओ, तो ही मैं तुम लोग को बता दूंगी क्या है क्या नहीं, और ट्रीटमेंट बहुत रेगुलर लेना पड़ेगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो सीरियस बात है गाइस, बिकॉज रुखसार दीदी ने बोले कि अब अवॉइड नहीं कर सकती है, तेको करना ही पड़ेगा तेरा ट्रीटमेंट बराबर, वरना बहुत कुछ हो सकता है। तो मुझे अभी बहुत डर भी लग रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि अभी कैसे मेरे को, मतलब एज इन मैं कैसे मैनेज करूंगी सारी चीजें, मेरे को नहीं समझ में आ रही है। हो सकता है कि रुखसार दीदी तुमको बुला रहेंगे ताकि सामने सामने बोलोगे तो तुम ज्यादा सोचोगे नहीं, अगर फोन पे बोल देंगे। नहीं एक्चुअली ना, लास्ट टाइम डड्डू का भी जो रिपोर्ट आया था ना, रुखसार दीदी ने ना डड्डू को नहीं बताए थे, मेरे को और मम्मी को बताए थे कि उनको क्या मसला है, तो वो शायद से मुझे नहीं बताएंगे, शायद से तुमको ही सिर्फ सारी चीजें बताएंगे और मना करेंगे कि निदा को बताने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली इंसान का जो दिमाग है वही सारी चीजों से कनेक्टेड रहता है, तो अगर इंसान स्ट्रेस लेगा तो उसको और बीमारी हो सकती है, इसलिए रुखसार दीदी नहीं बताते। बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ और अच्छा हो जाए जो भी है, और रिपोर्ट्स में इतना कुछ ज्यादा सीरियस ना आए। अभी मैंने न्यूज भी पढ़े और अभी हम लोग आंखों देखी भी देख रहे हैं, इतनी बारिश हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है, तो बहुत सारे रोड जो है वो बंद कर दिए हैं बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग और भी बहुत सारी चीजों की वजह से, बिकॉज बड़े बड़े खड्डे हो गए, ये सब हो गए, बारिश का टाइम है, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रही कि अभी हम लोग को कितना टाइम लगने वाला है पहुंचने के लिए। अंधेरी में सबसे ज्यादा पानी भरा उधर सबवे के पास, और अपना रास्ता वहीं से होते हुए जाता है सबवे के पास से। तभी मैं बोलूँ हम लोग को जो इजीएस्ट रूट है वो हम लोग को क्यों बंद दिखा रहा है। वनपाड़ा में पूरा पानी भरा हुआ है, बोट लेके निकले। क्या बात कर रहे हो, मुझे देखना है, वैसे ही जाना पड़ेगा। सानपाड़ा में तो ऐसी झूठ बोलता है, सानपाड़ा में बोट नहीं है, वैसे ही वो और एग्जैजरेट करता है, सानपाड़ा में बोट निकली है। बाप रे बाप, भी दो सेकंड के लिए तो ऐसा लगा कि बस अभी हम लोग ठोकने वाले हैं ना, इनविजिबल हो गया था एकदम, इनविजिबल, और ये सामने वाली गाड़ी को मस्त ठोक देते अभी तो बराबर चला नहीं रहा, उसका इंडिकेटर काला हो गया विट्ठल कानिया तुम्हारी तरह, तुम दो आंखों से काड़े हो, देख रहा मुंबई में जा रहा अंधेरी में। ट्रैफिक को बीट करके हम लोगों को यहाँ पे पहुँचने में 2 घंटा लग गया और मेरी ऐसी हालत खराब, 2.5 घंटा लगा गया, आधा घंटा तो मैं सो गया था ना, तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा इसके लिए। हाँ नहीं एक्चुअली मेरे को इतनी जोर से सुसु आई थी ना गाइस कि मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैं बोला कि अगर मैं रास्ते में रुका के सुसु किया तो और आधा घंटा टूट गया, क्योंकि ट्रैफिक है ना गाइस इतनी है, इतना ट्रैफिक में आप रुको फिर सुसु करने रुको, उसके लिए बोला सीधा पहुंच के सुसु करूंगा मैं। डॉक्टर्स भी आ चुके हैं यहाँ पर और डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के पहले जोहान का दूध बना रहे बोले डॉक्टर पेशेंट बाद में रिश्तेदारी पहले। वाह वाह गाइस देखो, गाइस देखो नाना का कर्तव्य भी बारे, छोटी सी उम्र में नाना बन गए, पहले दूध डाल दो, छोटी सी उम्र में लग गया रोग कहते हैं लोग। अरे बस 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 भाई, बाकी का हम लोग पी लेंगे चाय में डाल के। अभी खाना पीना हो चुका है जोहान का, पर जोहान के मुंह पे नॉन स्टॉप आवाज निकल रही है, मुंह पे उसके लगाम ही नहीं है, पता नहीं क्या हो, अचानक से देखो कैसे शांत हो गया, कैमरा देखते ही शांत हो जाता है। तो गाइस जो पेशेंट के साथ आते हैं वो ये बेड पे लेटते हैं और जो पेशेंट होता है वो ये बेड पे लेटता है और हमारी डॉक्टर, अरे शांत हो जा, डॉक्टर कुछ बता रहे सुनने देगा तू, अपनी माँ की तरह पप्पा करते रहे। चलो कोई चीज में अच्छी चीज तो नहीं की तुम्हारे मुंह से, माँ पक करती है, चुप तक है। मैं रुखसार दीदी से पूछूं क्या हुआ पूछती हूँ, नहीं तुम आओ फिर मैं पूछूंगी, वरना तुमको लगेगा कि मैं झूठ झूठ बोलती हूँ। एक्चुअली क्या सीन होता है ना कि मैं जब भी बोलती हूँ ना कि कोई डॉक्टर ने बोला ऐसा बोला ऐसा बोला, तो मैंने सुना, समझ रहे हो, वीडियो में देख लेगा वो वीडियो देखता ही नहीं है खुद की, नहीं देखता है, झूठा है, आन दो आन दो। चलो रुखसार दीदी हुआ क्या है, ओ तनवीर भाई आओ, अभी स्टार्ट से एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये पूरा स्पाइन है, तुमको जहाँ तकलीफ हुई है वो लोअर सेगमेंट में, एक सेगमेंट ले तुमको क्या हुआ है, निदा का स्पाइन थोड़ा बड़ा है तुमको कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये हमारा नर्व सप्लाई आता है जो स्पाइनल कॉर्ड से जाता है, ये तुम्हारी हड्डी, ये बाहर इसका डिस्क बाहर निकल के इसकी नस को दबा रहा है, जिसकी वजह से उसको उठने बैठने में तकलीफ हो रही है, आगे झुकने में तकलीफ हो रही है। एंड एक सेगमेंट में नहीं है, इसका मल्टीपल सेगमेंट्स में, L5 में मेजरली है, L2 से लेके L4 तक थोड़ा नॉर्मल हल्का हल्का बाहर है। मैं ऐसा फोन पे क्यों पहले जरा फिर बता दूं मैं रिपोर्ट क्या है, वो इसलिए बोला कि मुलाकात भी हो जाए ठीक भी हो जाए, इसलिए डर के मारे
अच्छा मैम उसको बहाना मिल गया काम नहीं करने का, बोले नहीं उठाऊंगी रुखसारी को मना किए। आगे नहीं झुकना है, वजन नहीं उठाना है, नीचे बैठना नहीं है ना लेटना है। लेटना नहीं है, नीचे नहीं लेटना है। लेटना नहीं है तो लेटना ही नहीं देता मेरे को बेड पे भी। पूरा दिन पड़े रहती है झूठा। सब देख रहे ब्लॉग में मैं कुछ नहीं पता है कि कौन क्या है। एकदम टेंशन लेने वाली बात 60-70% है। क्या और बाहर आएगा ना कंप्लीट डिस्क हो जाएगा तो बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। बेड रेस्ट लेना पड़ेगा और करो तो सब ठीक है, नहीं करो तो फिर प्रिकॉशन के पीछे नहीं भागना नहीं, ये करूंगी ये नहीं करूंगी, तुमको ट्रीटमेंट के पीछे भागना है, फिर प्रिकॉशन करके सब ठीक हो जाएगा। ये बोले मैं लेटर हूँ डॉक्टर का पैसा बचा दूंगी। और उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी रुखसार की, यूटिलाइजेशन ये सब लिखा हुआ है, वो सब मेडिकल टर्म्स है, तुमको उससे कुछ नहीं। सूजन है वहाँ पे, पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत लोगों को हो जाता है स्कोलियोसिस की, बच्चे को एक तरफा ले लेके ना स्पाइन डिसलोकेट हो गया है। डिसलोकेट मतलब पूरा बाहर आ जाना, डिसलोकेट मतलब ये तुम्हारा यूं हो गया, एक सेगमेंट में ज्यादा कंप्रेस हुआ है, मतलब दब गया है, दब गया क्या हुआ, बीच की जो गद्दी होती है ना वो दब के बाहर। संजय तुम्हारी चर्बी बढ़ गई है ना, तुम्हारे मसल कमजोर। जैसे कैसे अभी तुमको बताओ दो ब्रांड है, चर्बी दबी चर्बी बाहर पचक कर। तुम्हारा जो स्पाइन ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए, वो थोड़ा सा एक साइड टिल्ट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तभी मैं कहूँ मैं एक पैर से ही बराबर चल पाती हूँ। नया मिल गया भाई इसको। नहीं 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 मेरे को ये पैर से नहीं होता। हमारी हल्दी के टाइम से मैं तुझे बोल रही हूँ तेरा लॉस ऑफ कर्वेचर है, ध्यान दो। बच्चे के बाद क्या बढ़ा लिया चीज़? नहीं इसको वो भी है अपना लॉस ऑफ ब्रेन तभी हम लोग का लॉस ऑफ ब्रेन है ना, इसके लिए तुम जैसे लड़के को मैंने मेरा डॉक्टर ट्रीटमेंट करने वाला भी सकते तुम्हारी हड्डी यू कर देंगे मालूम नहीं पड़ेगा। मेरे को लगता है ट्रीटमेंट के साथ साथ ना इसको डाइट की भी जरूरत है। एक्चुअली अगर स्टमक कम करेगी ना तो ऑटोमेटिकली स्पाइन पे से उसका लोड जाएगा। अभी सच बोले उन्होंने, कब से वो समझ रहे कि चल जान दे मेरी भतीजी है भांजी है करके मैं झूठ बोल देती हूँ। मेन असली मकसद तुम्हारा मोटापा, मेरा मोटापा कम हो रहा है, तुम अपना देखो पहले। मालूम पड़ा तुम्हारी रेर की हड्डी बाहर आ रही है, मुंह की हड्डी बाहर आ रही है, ये देखो तुम्हारी मुंह की हड्डी बाहर आ रही है। चलो तुम्हारा भेजा नीचे क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, सब लेटा हुआ है। देखा कैसे तेरा तुम्हारा बिल्कुल सर्जिकल केस है पर उसको रिवर्स कर सकते हैं, और ज्यादा बड़ा होने के वेट करो तो सर्जरी भी करनी पड़ सकती बेटा अगर ध्यान नहीं दिए तो। रिपोर्ट कराओ, खुद का डाउट हमें है, स्पाइन में इशू है, बहुत टाइम जरूरत है अभी जगह का। मेरे को समझ में नहीं आता पूरा काम तो मैं करता हूँ, रात का काम क्या करते हो? सिर्फ जाता है किचन में प्लेट लेके वापस आता है बस, और कुछ नहीं करते हो। अभी जाके खाने की प्लेट लेकर हमें लेके चले में बड़ा काम नहीं है। ऑर्डर करके भी जाके दूध। अच्छा जब मालिश वाली जिस दिन नहीं आती उसको नहलाता कौन है? उसको मालिश कौन करता है नीचे बैठ के? दिन के काम तुमको करने पड़े ना, दोनों मिलके करना। लेकिन अभी से ऐसा होना नीचे बैठना, इस पार्ट को बेसिकली बेड रेस्ट देना है, सिंपल। जमीन में बैठना बंद अब से, थोड़ा कोशिश करो कि नमाज वगैरह भी थोड़ा ऊपर बैठ के। मैं ऊपर जब से आपने बोला मैं ऊपर ही बैठ के पढ़ लू नमाज, चीजें को फिर बाद में अपन चालू करेंगे धीरे धीरे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चलो अभी करते हैं अपन स्टार्ट। पेट के बल लेट नहीं पा रही है, मैं नहीं हो पाती करवट भी ले रही हूं। कर्वेचर प्रॉब्लम है ना तुम्हारे, इसके लिए सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो। अगर तुम्हारी आवाज इतनी आ रही है हड्डी की तो आवाज ही नहीं आएगी। तो गाइस इसको ये बोल के कि लेफ्ट पैर से चल नहीं पाती है, तो ये जब चलती है ना कैसे लेफ्ट पे जाती है, इसका लेफ्ट पैर इंडिकेटर हमेशा के लिए ऑन हो गया। है ना, है ना, वो जहर है ना, जहर ही जहर को काटता है। मुझे मारने के पीछे तुम्हारे पीछे सवाल। एक्चुअली ना तन्वी भाई, मैं शादी से पहले ही इनको बोली मेरा ट्रीटमेंट कर रही थी, मैं प्रेगनेंसी में। हां गलती हो गई, इसके दिमाग का ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए था भाई मेरे से, बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो अभी राइट इंडिकेटर दो। इसके लिए 3-4 आदमी लगेंगे मुझे लगता है। ये हुई पार्किंग लाइट चालू, अभी दोनों पैर सही हुए। ब्लड फ्लो बढ़ गया ना तुम्हारा, अभी तुम्हारा सर पे खून सवार हो गया अभी। दो तीन हफ्ते का फिलहाल ट्रीटमेंट है वो हो चुका है, बट तन्वीर भाई अभी सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम लोग को यहाँ पे आना भारी पड़ता है, तुम लोग अपने आस पास ही कोई कायरोप्रैक्टर देख लो, क्योंकि ये चीज कायरोप्रैक्टर से ही सही होगी।
ठीक है, ये हड्डी का प्रॉब्लम है, फिजियोथेरेपी से मसल पे वर्क होता है, बाकी एक्यूपंचर में कुछ दो तीन ऐसे नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है जो कि कुछ तो बोले, तो बोले तुम लोग ऐसा करो या तो यहाँ आ जाओ या तो फिर वहाँ करो, तुम्हें ट्रीटमेंट करवाना जरूरी, हर दो तीन दिन में इसको कायरो करवाना पड़ेगा, चालू करो इसको खत्म करो, दो तीन हफ्ते वहाँ पे कैरोपेट बस चले जाओ, फिनिश करके प्रॉब्लम से भागो, तो आने कब तक हम बट गाइस उधर एक मसला है कि दूसरा जो कायरोप्रैक्टर रहेगा वो फैमिली वाला नहीं रहेगा, तो जो टच करेगा अनिता को मतलब वो करने के लिए तो थोड़ा उसको अनकंफर्टेबल लगेगा, तो फिर वो मैं बोल रहा हूं कि हां जाओ कमेंट में लिखो कि बजाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, अरे वो तो बोले हम लोग थोड़ी कमेंट चल चल के आ जाएंगे, ट्रैफिक कौन संभालेगा, कमेंट करने वाले ट्रैफिक अगर हटा देना गाइस तो कंफर्म हम लोग जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे डॉक्टर साहिबा हमारे लिए चाय बना रहे हैं यहाँ पर, क्या बात है, पेशेंट लोगों को भी चाय देते हैं, गाइस देखो रेडीमेड चाय है ये, खाली पाउडर है, इसमें पानी डालो चाय ऑटोमेटिक बन जाती है। हम लोग निकल चुके हैं क्लिनिक से, दोनों भी डॉक्टर्स को लेके हमारे साथ, बिकॉज हम लोग को थोड़ा फ्रेश होना है, तो हम लोग रुखसार दीदी तन्वी भाई के घर पे जा रहे हैं, और जो मेरा पहला सेशन था गाइस लाइक ऑलवेज बहुत ही अमेजिंग था, अगर मेरे को और दो तीन बार ये सेशन मिल जाए रेगुलर बेसिस पे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाऊंगी, कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इतना ट्रैवल करना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है जुबान को लेके। रुखसार दीदी तन्वीर भाई ने एक आइडिया दी कि जो एरिया में तुम लोग रहते हो वहाँ पर करवा लो, बट मुझे थोड़ा सा डर है, बट लेट्स सी अब क्या कंक्लूजन पे हम लोग पहुँचते हैं, सुसु सुसु कर लेते फिर कुछ खाने पीने निकलते हैं। yes! क्या बोलते हैं, हम लोग आ चुके हैं तन्वीर भाई रुखसार दीदी के सोसाइटी में, आप लोग सोच सकते हो कि हम लोग खाली सुसु करने के लिए घर पे जाते हैं, बाकी सब कुछ हम लोग बाहर करते हैं मतलब फिर लोगों को है ना एक वो हो गया है हम लोगों को कि घर पे मत जाओ बाहर ही बाहर रहो। हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और सब लोग एक्चुअली फ्रेश हो गए, जुहान भी फ्रेश हो गया, खाना पीना खा के डायपर वाइपर चेंज करके हम लोग सोचे कि थोड़ा जाते हैं बाहर कुछ खाने पीने के लिए, हेल्दी खाना है पर नहीं खाते। एक्सक्यूज मी, तुम रोज अनहेल्दी खाते हो, मैं हेल्दी खाती हूँ, आज मेरा अच्छा डॉक्टर के सामने दिखाना पड़ता है तो हम हेल्दी खाते हैं, वो तो समझ गया मैं। और गाइस जुहान मिसिंग है, जुहान अपनी नानी के पास बैठा है यहाँ पे, सो गया, अरे वाह कम्फर्टेबली बैठा है, और रुखसार दीदी के गोद में हर बच्चे एकदम कम्फर्टेबल रहते हैं, हमारा अली भी, तो अभी देखते हैं हम क्या खाने जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं एक रेस्टोरेंट में जो कि हेल्दी है, टाइम हो रहा है गाइस यहाँ पे दो, यहाँ पे पता है ये ना मैं तुमको अभी भी बताऊंगी, बोलो ना क्या, तुम यहाँ आओगे ना पूरा ब्लॉग बनाने की मेरे पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में बताने चाहिए, मैं अंधेरी में कहाँ कहाँ जाती थी क्या क्या करती थी तब मैं बताऊंगी। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए और मैं पीछे आ गई, बिकॉज जुहान को गोद में लेके बैठना फॉर लाइक लॉन्ग रन के लिए भी नहीं अच्छा है मेरे लिए, मैं हर बार उसको आगे लेके इसलिए बैठती हूँ ताकि व्लॉगिंग व्लॉगिंग आसानी से हो जाए, सुफियान को अगर कुछ चाहिए रहे या मुझे कुछ चाहिए रहे तो सुफियान मेरी हेल्प कर देते, जुहान को थोड़े टाइम पकड़ लेते, ड्राइविंग भी करते करते अगर मुझे कुछ सही करना होता है तो, बट अब मुझे सुफियान ने स्ट्रिक्टली बोले कि तुम पीछे ही बैठो, बिकॉज ऑब्वियसली जुहान फिर नीचे भी लेट सकता है और मैं भी थोड़ा पैर लंबे करके आराम से रेस्ट कर सकती हूँ। डिसाइड ये हुआ है कि मैं आऊंगी यहाँ पर रेगुलरली तीन दिन ट्रीटमेंट करने के लिए, बिकॉज ये चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, ये सर्जिकल चीज है जो इंशाल्लाह हम लोग चाह रहे कि कायरो से ठीक हो जाए, तो गाइस प्लीज मेरे लिए दुआ करना और आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। सो अब हम लोग व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं घर पे पहुंचने से पहले, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, लव यू, अल्लाह हाफिज।